Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 5 of practice set 1.1 of lesson 1 complex number of standard 11. Abhi tak hum practice set 1.1 ke 4 parts dekh chuke hain, 4 alag alag videos mein. Yahan par humne question number 6 tak padha hai aur sum number 52 hamara complete ho chuka hai. Barabar hai? Aaj ki video mein question 7 hum dekhne wale hain, okay? So, question 7 is, find the values of x and y which satisfies the following equations where x and y both belongs to real numbers. अब देखो, यहाँ पे हमें एक equation दिया है, यहाँ पर इस equation के लिए हमको x और y का value find करना है. So, अब देखो, the equation is x plus 2y plus 2x minus 3y i plus 4y equal to 5. अब देखो, जाहिर सी बात है, equation है, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे यहां पर. अब आप अगर अच्छे से ध्यान देते हो, सो ये x प्लस टू आई जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये ऑलरेडी रियल पार्ट है, यहाँ पे कोई इमेजिनरी आयोटा आपको नहीं नजर आ रहा है, बराबर है. हाँ, वही आप अगर सेकेंड टर्म देखते हो तो ये जो ब्रैकेट है, ओके, इसके बाहर आयोटा है, प्लस ये 4i यहाँ पे भी आयोटा है. तो हम क्या करेंगे, ये जो i है ये कॉमन निकालेंगे, ओके, सेकेंड और थर्ड टर्म में से. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4i इज इक्वल टू. अब देखो, आप राइट हैंड साइड में सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो हम वहां पे 0 आएंगे. और अब हम करेंगे इक्वेट रियल एंड इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है x प्लस 2y इक्वल टू, राइट हैंड पार्ट में रियल पार्ट है 5, बराबर, इसे वन नाम दे दो. देन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 0. सो दिस विल बी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, 2 नाम दो. अब देखो, यहां पे दो लीनियर इक्वेशंस आ गए इन टू वेरिएबल्स, ओके. सो व्हेन वी सॉल्व और व्हेन वी टेक टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दे आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन. और इनको सॉल्व करने के बहुत तरीके अपने पास, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रामर्स रूल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, आपको जो मेथड सूटेबल होता है वो करो. मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं. देखो, फ्रॉम 1 एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 है, मतलब x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, इसको 3 नाम दे दो, ओके. ये 2y लेफ्ट में था, पॉजिटिव था, राइट में जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो x इज 5 माइनस 2y. सो नाउ फ्रॉम 2 एंड 3 मैं क्या करूंगा, x जो है 5 माइनस 2y वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2 में. सो ये 2 x के जगह आएगा 5 माइनस 2y, बाकी ये माइनस 3 जैसा कि वैसा इज इक्वल टू माइनस 4. 2 5 10, माइनस 2 2 4y, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7y, माइनस 4 लेफ्ट हैंड साइड में 10 पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आती है, सो माइनस 4 माइनस 10 इज माइनस 14, y इज माइनस 7 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में जाएगा तो डिविजन में चला जाएगा. माइनस माइनस कैंसिल होगा, 7 1 7 2 14, सो y इज 2, y का वैल्यू 2 आ गया. नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन 3, ये आपका थर्ड इक्वेशन है. सो x विल बी 5 माइनस 2 इन टू, y की जगह आप पुट करोगे 2, सो दिस इज 5 माइनस 4, सो x इज 1, ओके. सो इस इक्वेशन में x का वैल्यू रहेगा 1 और y का वैल्यू रहेगा 2. 54th सम देखो, x प्लस आई वाई अपॉन 2 प्लस 3 आई प्लस 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 3 आई इज 9 by 13 इंटू 1 प्लस आई. अब देखो, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, ये बाइनोमियल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा
आप लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। जैसे ये पहला टर्म है, इसका डिनोमिनेटर 2 प्लस 3 आए, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3 आए, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। और जो सेकंड टर्म है, इसका डिनोमिनेटर 2 माइनस 3 आए, इसका कॉन्जुगेट आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आए, उससे इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। पर वन एंड द सेम थिंग होने वाला है वो, ओके। सो ये एक्स प्लस आई वाय इंटू टू माइनस थ्री आए प्लस ये टू प्लस आए इंटू टू प्लस थ्री आए, ये ब्रैकेट देना भूलना नहीं। यदि आपने ऐसा लिखा कि भैया ये ब्रैकेट नहीं दिया है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लीकेशन बराबर किया कि एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स को माइनस थ्री आई से, फिर आई वाई को टू से, आई वाई को माइनस थ्री आई से, आपने वैसा भी सही किया, फिर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, यही से गलत दे देंगे आपको। क्योंकि इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट है टू माइनस थ्री आई, ये सिर्फ आई वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब भी बाइनोमियल्स आते हैं, बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन आता है, मेक श्योर आप ब्रैकेट दोगे, ओके। अपॉन ये डिनोमिनेटर लिखना भूलना नहीं, बहुत से बार जल्दी जल्दी में हम डिनोमिनेटर लिखना भूल जाते हैं। इज 9/13 इंटू 1 प्लस आई। अब देखो मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, एक्स इंटू टू टू एक्स, फिर एक्स इंटू माइनस थ्री आई, तो वो होगा माइनस थ्री एक्स इंटू आई, प्लस पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म इंटू ए सेकेंड ब्रैकेट, आई वाई इंटू टू यानी टू वाई आई, प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री इंटू वाई थ्री वाई और आई स्क्वायर, प्लस टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री आई सिक्स आई, प्लस दिस इज टू इंटू आई टू आई, प्लस थ्री आई इंटू आई आई स्क्वायर, अपॉन ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 9/13 इंटू 1 प्लस आई। अब ये देखो, ये है आपका 2x माइनस 3x आई प्लस 2y आई, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, सो 3y इंटू माइनस 1, ये माइनस 3y इंटू माइनस 1 इज प्लस 3y होगा, ओके। ये आपने ऐसा डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है, क्योंकि अगर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 डालोगे, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस बताओगे, दो स्टेप्स और बढ़ जाएगी, ओके, काफी लेंथी हो जाएगा। तो अब आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि आई स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस थ्री वाई इंटू माइनस वन इज प्लस थ्री वाई, प्लस फोर प्लस सिक्स आई, सिक्स आई प्लस टू आई, इसको एट आई लिख दो, यही पे आसान कर दो, ओके। और प्लस थ्री इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो प्लस थ्री इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, अपॉन टू का स्क्वायर 4, थ्री का स्क्वायर 9 और आई का आई स्क्वायर, ये 9/13 इंटू 1 प्लस आई। और यहां पे लिख दो कि सिंस आई स्क्वायर इज माइनस 1, क्योंकि आपने आई स्क्वायर इज माइनस 1 यूज किया है, ओके। अब देखो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है वहां पे रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लेके आएंगे। अब देखो यहां पर रियल पार्ट है ये 2x, ये 3y, ये 4 और ये माइनस 3, ओके। सो इनको साथ में ले लो, 2x प्लस 3y एंड 4 माइनस 3 विल बी 1, प्लस प्लस का ही साइन दो, इमेजिनरी पार्ट अब एक साथ लेंगे हम लोग, इमेजिनरी पार्ट है ये माइनस थ्री एक्स आए प्लस टू आया है और ये एट आए। अब देखो यहां पर क्या करो, आपने प्लस का साइन लिया है ना, पर ये तो माइनस थ्री एक्स था, तो माइनस थ्री एक्स लिखो पूरा, ओके। यहां पे माइनस साइन कॉमन मत निकालो, फिर यहां पे और माइनस साइन नहीं है, और आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए प्लस ही रहने दो। ये माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस एट इंटू वाई अपॉन, अब देखो आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1, माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज प्लस 9, तो ये 4 प्लस 9 होगा। यहां पे क्या करो आप, ये 9 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 9 मंजा 9 प्लस 9 आए अपॉन 30। अब देखो ये न्यूमरेटर जो है एलएचएस का, ये तो जैसा कि वैसा रहेगा,
हाँ 9 प्लस 4 इज 13 और ये होगा 9 प्लस 9 अपॉन 13। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कैंसिलेशन ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट होंगे। ओके जब भी दो वैल्यूज हैं ओके जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकती है बाय द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड्स है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कैंसिल होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इक्वल टू के अपोजिट साइड क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं होता है। हाँ यदि अगर ऐसा रहता है कि भैया x अपॉन 13 इज 13 अपॉन सपोज 4 सो ये 13 और ये 13 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लॉ ऑफ कैंसिलेशन के हिसाब से इक्वल टू के अगर अपोजिट साइड्स है वैल्यूज जो कैंसिल हो सकती है तो क्रॉस में कैंसिलेशन नहीं होता है। हाँ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है ये पहली बात। दूसरा यदि यहां पे प्लस टू ऐसा कुछ होता तो ये कैंसिलेशन नहीं होता था बिकॉज ऑफ ये मोनोमियल हो गया कैंसिलेशन सॉरी ये बायनोमियल हो गया कैंसिलेशन मोनोमियल्स में होता है बराबर है। यदि यदि ऐसा भी कुछ होता तो अब ये तो मोनोमियल है पर यहां पर जो आप नंबर कैंसिल आउट कर रहे हो वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉ ऑफ कैंसिलेशन के हिसाब से अगर कैंसिल होने वाले नंबर्स इक्वल टू के एक ही साइड है मतलब यानी या तो लेफ्ट हैंड साइड है या तो राइट हैंड साइड है तो कैंसिलेशन क्रॉस में होगा ऊपर और नीचे। यदि वो इक्वल टू के अपोजिट साइड है तो कैंसिलेशन क्रॉस में नहीं होगा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैंसिलेशन जहां भी हो रहा है इट शुड बी मोनोमियल बराबर है। और तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि मोनोमियल तो होना ही चाहिए पर जो नंबर्स कैंसिल आउट हो रहा है वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में ना रहे। हाँ यदि ऐसा होता था तो 13 कैंसिल हो सकता है क्योंकि 13 x + 4 y के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशनशिप में है। हाँ लेकिन अगर आगे जाकर और ऐसा कुछ होता था सो ये 13 और 13 कैंसिल नहीं होते थे बिकॉज यहां पे ये 13 इनके साथ तो मल्टीप्लिकेशन में है पर ये पूरा टर्म जो है ये 4 के साथ एडिशन रिलेशनशिप में आ गया। ओके ये सारी बातें एक्चुअली स्टैंडर्ड 8 तक बताई जाती है। सो अब हम क्या करेंगे यहां पे 13 हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया 2x + 3y + 1 रियल पार्ट -3x + 2y + 8 y विच इज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 9 + 9 y। अब हम यहां पर करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखो ये लिख लिया है आपने लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है 2x + 3y + 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रियल पार्ट है 9 सो दिस विल बी 2x + 3y इज इक्वल टू 9 - 1 विल बी 8। और अब इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है वो -3x + 2y + 8 इक्वल टू राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट इज 9 सो दिस विल बी -3x + 2y इज इक्वल टू 9 - 8 क्या होगा 1। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गए इन टू वेरिएबल्स और दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गए। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास चार तरीके हैं चार से पांच तरीके एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड क्रामर्स रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ग्राफिकल मेथड। ओके सो जो आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करो। अब यहां पर देखो मैं एलिमिनेशन से करने वाला हूं सॉल्व एक्स को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि एक्स को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। यहां पर पहला जो इक्वेशन है उसमें एक्स का साइन पॉजिटिव है और दूसरे इक्वेशन में एक्स का साइन निगेटिव है तो ऑब्वियसली हम एडिशन करेंगे। हाँ अगर वाई एलिमिनेट करने जाते हैं तो पहले इक्वेशन में वाई का साइन पॉजिटिव है और दूसरे में भी वाई का साइन पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन करना होगा। ओके विल प्रिफर एडिशन पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो उसके पहले जो वेरिएबल हम एलिमिनेट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन में से उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट अगर साइन छोड़ दो तो 3 है 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 तो पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6 बनाना होगा बिकॉज 2 और 3 का एलसीएम 6 आया तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और दूसरे इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट 3 है उसको 6 बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ ये 3 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा और वैसे यहाँ पे पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
3. So this will be 3 into 2x plus 3y equal to 8. This is 6x plus 3 3's are 9y is equal to 3 8's are 24. इसको 3 नाम दे दो. ओके okay? और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय टू, दिस इज 2 इंटू माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1. सो ये हो जाएगा माइनस 3 टू 6x प्लस 2 टू 4y इज इक्वल टू 2. इसको 4 नाम दे दो. देखो यहां तक क्लियर है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन में ये 6x आया है और फोर्थ इक्वेशन में माइनस 6x आया है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे. एडिंग 3 एंड 4, सो दिस इज 6x प्लस 9y इक्वल टू 24. ओके माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2. प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, 9 प्लस 4 इज 13 एंड दिस इज y, 24 प्लस 2 इज 26. So y is 26 by 13. So y का वैल्यू आया आपका 2. ओके और अब ये जो वैल्यू आया y is equal to 2, ये इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी डाल दो. सपोज इक्वेशन 1 में हम डालेंगे y is equal to 2, put y is equal to 2 in equation 1. So this will be 2x plus 3 into y के जगह आपको 2 डालना है is equal to 8. So 2x plus 3 to the 6 is 8. 6 left hand side में addition में right में जाएगा तो subtract हो जाएगा, तो 2x is 8 minus 6, 8 minus 6 is 2. Therefore x is 2 by 2. So x is 1. So finally x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 2. ओके फिफ्थ सम, सॉरी 55th सम देखो, x into 1 plus 3 आए plus y into 2 minus i minus 5 plus i cube is 0. अब देखो यहां पर ये पहला जो ब्रैकेट है, पहला जो टर्म है x into 1 plus 3 आए, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा सॉल्व करके. x into 1 is x plus 3x into i plus this is 2i minus yi minus 5 plus i cube का वैल्यू माइनस आया होता है. सो दिस इज x प्लस 2i, रियल पार्ट साथ में ले लो, इमेजिनरी पार्ट साथ में ले लेंगे. सो दिस इज 3x माइनस y इंटू आई. और अब क्या करो, ये जो माइनस 5 है ना, ये वो साइड लेके चले जाओ तो प्लस 5 होगा. लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में चला गया तो प्लस 5. और ये जो माइनस आय है लेफ्ट साइड में, ये भी राइट में जाएगा तो प्लस आय. अब देखो साफ साफ हम इक्वेट कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को बहुत अच्छे से. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, x plus 2y, the real part on left hand side is equal to 5, the real part on right hand side. Then 3x minus y, the imaginary part on left hand side is equal to, अब यहां पे 3x minus y into i था, यहां पे i के साइड कुछ नहीं मतलब 1 है, तो equal to 1. Okay? अब देखो आपके पास equation 1 और 2 है, यहां पर आपको एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करो. सब्स्टिट्यूशन में आपको 53rd सम में कैसे करते हो बता चुका हूं. यहां पे एक बार एलिमिनेशन ले लेते हैं. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y का जो साइन है वो प्लस है, सेकंड इक्वेशन में y का साइन जो है वो माइनस है, तो एडिंग करेंगे. पर इसके पहले इनके कोएफिशिएंट सेम करने होंगे. फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट साइन छोड़ दो आप तो 1 है. अब 2 और 1 का एलसीएम आता है 2, ये ऑलरेडी 2 है, बस यहां पे y के साथ हमें 2 देना है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. सो दिस विल बी 2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू 1, 2 3 इज 6x माइनस 2y इज 2 1 इज 2, 3 नाम दो. और अब क्या करो,
इसका तो यूज हो गया इक्वेशन टू का, एडिंग वन एंड थ्री, इक्वेशन वन इज एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव एंड इक्वेशन थ्री इज सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू. एक्स प्लस सिक्स एक्स इज सेवन एक्स प्लस टू वाई माइनस टू वाई कैंसिल, फाइव प्लस टू इज सेवन, सो एक्स इज सेवन बाय सेवन, तो एक्स इज वन. ओके एक्स आ गया, पूछा एक्स प्लस वाई है, ओके सिर्फ एक्स नहीं पूछा है, तो एक काम करो इसको ब्रैक बॉक्स में रखो. नाउ पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, सो यार वन प्लस टू वाई इज फाइव, ओके वन लेफ्ट साइड में है प्लस है, राइट में जाएगा तो माइनस होगा, सो टू वाई इज फाइव माइनस वन, टू वाई इज फोर एंड वाई इज फोर बाय टू, सो वाई इज टू. हमें पूछा क्या है एक्स प्लस वाई, देयर फॉर एक्स प्लस वाई इज एक्स का वैल्यू है वन एंड वाई इज टू, सो एक्स प्लस वाई इज थ्री. ओके